जय हिंद दोस्तों। देखिए आपके बीच लाए हैं माध। हम लोग देखिए क्या करेंगे। माध का ये फॉर्मूला होता है यल प्लस एन बाय टू माइनस सी बटे एफ गुणे एच। एन क्या होता है, एन क्या होता है समझते हैं, सभी बारंबारताओं का योग को एन कहते हैं। और माध में एक स्पेशल कंडीशन है कि भैया इसको संचय बारंबारता निकाला जाता है। ओके तो संचय बारंबारता किस तरह से निकलता है आइए देखते हैं। यहाँ पे चार है, चार हो जाएगा, संचय निकाल रहे हैं संचय। तो यहाँ पे पांच जोड़िएगा, चार प्लस पांच बराबर नौ, नौ प्लस तेरह बराबर बाईस, बाईस प्लस बीस बराबर बयालीस, बयालीस प्लस चौदह बराबर छप्पन, छप्पन प्लस आठ बराबर चौसठ, चौसठ प्लस चार बराबर अड़सठ। अब जो ये हमारा अड़सठ आया है इसको क्या करेंगे, अड़सठ आया है तो क्या करेंगे अड़सठ को, देखिए अड़सठ क्या करेंगे, ये एन आया तो एन बटे टू करेंगे पहले, अड़सठ बटे दो, अड़सठ बटे दो बराबर चौतीस, अड़सठ बटे दो बराबर चौतीस। अब हमको चौतीस ये जो आया है मेरा इसको देखना कि चौतीस से ठीक बड़ा संचय बारंबारता को हम लोगों को लेना है। चौतीस से ठीक बड़ा क्या हुआ, बयालीस, क्योंकि अब बाईस तो इससे छोटा है, चौतीस से ठीक बड़ा बारंबारता बयालीस। तो ये मेरा माध्यक वर्ग हो जाएगा, एक वन टू थ्री ये वाला मेरा क्या हो जाएगा दोनों, माध्यक वर्ग, ये मेरा माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब यहां से हम लोग सी एल एफ एच निकालेंगे, ठीक है दोस्त। एल क्या होगा, यहां देखिए आप लोग, एल माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, तो ये माध्यक वर्ग का निम्न सीमा एल 125। यच क्या होगा प्यारे दोस्तों, यच दोनों के बीच के अंतर, दोनों के बीच के अंतर 20। यानी क्या होगा, बहुलक के बारंबारताओं का योग एन हो गया अड़सठ। अब हमको चाहिए सी और एफ। सी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपरी वाली संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपरी वाली संचयी बारंबारता सी हो गया, बस हो गया। यप क्या होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये सारा चीज निकल गया। ओके अब हम लोग यहां से देखेंगे कि मान कैसे बैठाएंगे। माध्यक का फॉर्मूला होता है यल प्लस एन बाय टू माइनस सी बटे एफ गुणे एच। यल का मान कितना 125 प्लस एन का मान कितना अड़सठ बटे दो माइनस सी, सी का मान 22 बटे कितना दो, का मान 20, एच कितना है बहादुर 20, एच 20, ये 20 से ये 20 कट गया, 125 प्लस 68 के आधा 34 माइनस 22, तो 125 प्लस 12 7 137, 100 कितना है पहले दोस्तों, माध्यक वर्ग का फल कितना गया आंसर 137। ओके 137। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। तो ठंडी बढ़ गया है, हम जैकेट थोड़ा पहन लेते हैं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए माध्यक कितना है 28.5, ठीक है। तो हमको माध्यक दिया गया 28.5, योग इशारा चीज का योग कितना आएगा 60 आएगा। तो यहां से हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे,
संचयी, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, तो हम लोग संचयी बारंबारता पहले जो था वही लिख दिए। अब इसको जोड़ेंगे एक्स प्लस एक्स, पांच प्लस एक्स, अब ट्वेंटी इसमें ऐड करेंगे, ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स, अब फिर इसमें पंद्रह जोड़ेंगे तो तीस दस चालीस प्लस एक्स हो जाएगा, और अब बाय जोड़ेंगे तो चालीस प्लस एक्स प्लस बाय, अब पांच जोड़ेंगे तो पैतालीस प्लस एक्स प्लस बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास टेंथ के लिए, हो सकता है खुदा ना खास्ता अभी पूछिए दे, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे धुआं धुआं करेंगे। योग कितना आया, साठ, जब n का मान कितना निकल के आया, साठ, तो n बटे टू करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तीस। तो हम देखेंगे कि तीस से बड़ा ठीक, तीस से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कौन है, यहाँ पे प्रेम से समझिएगा। देखिए तीस से ठीक बड़ा, कहेगा सर पांच नहीं है, एक्स प्लस पांच भी नहीं, लेकिन यहाँ पच्चीस प्लस एक्स है और यहाँ चालीस प्लस एक्स है, तो बाबू ये एक्स को नहीं मान दिखिए, आप नजर अंदाज करिए, तो ये पच्चीस है, ये कितना है, चालीस है, तो ये जब चालीस है तो चालीस से अधिक हो गया कि नहीं, तो यहाँ लाना है तीस, तब यहाँ दोनों के बीच यही वाला आएगा सीरीज कितना, तीस से बड़ा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये चालीस प्लस एक्स है और ये पच्चीस प्लस एक्स है, चालीस प्लस एक्स तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक्स प्लस पच्चीस प्लस एक्स होगा आपका माध्यक वर्ग, मेरा ये निकल के आया माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या निकल के आया बहादुर, ये वाला। ओके, अब यहां से हम लोग यल निकालेंगे, यल कितना होगा, बीस हो जाएगा, यच कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा, सी, तो सी होता है माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला, संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला, फाइव प्लस एक्स, और यफ होता है माध्यक वर्ग की बाहु बारंबारता कितना है, बीस। हमको माध्यक कितना दिया, अट्ठाईस पॉइंट पांच, यहां से समझते माध्यक, माध्यक, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है यल प्लस यन बटे टू माइनस सी बटे यफ गुना एच। माध्यक कितना दिया गया, अट्ठाईस पॉइंट पांच, बराबर यल का मान कितना दिया गया, ट्वेंटी मैंने बीस, प्लस एन का मान कितना है, साठ बटे दो माइनस पांच प्लस एक्स, पांच प्लस एक्स, एफ का मान कितना है, बीस, एफ का मान बीस, एफ का मान बीस है, और एच कितना है, दस, तो ये जीरो से जीरो खत्म हो गया, अट्ठाईस पॉइंट पांच प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब यहां देखिए, ये देखिए काटिएगा कितना जाएगा, तीस, और यहां बचा तीस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बटे दो, ये अट्ठाईस पॉइंट पांच में बीस घटेगा तो आठ पॉइंट पांच, ये गुना भागा में इधर आया तो गुना में, तीस में से पांच गया पच्चीस माइनस एक्स, पंदुनी दस के सुनना बाकी एक, अर्धुनी सोलह एक सत्रह, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, पच्चीस माइनस एक्स, एक्स बराबर पच्चीस माइनस सत्रह, माइनस में इधर आया प्लस में, प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो ये आपका आठ हो जाएगा, एक्स का वैल्यू पच्चीस में सत्रह गया, सत्रह तीन बीस आठ, एक्स का वैल्यू आठ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बहादुर। अब कहिएगा सर ये वाला टर्म को देखिए, पैतालीस प्लस एक्स प्लस बाई क्या होता था, यहाँ जो जोड़ के आता था वही यहाँ आता था, अगला यहाँ भी अड़सठ आया था तो यहाँ भी अड़सठ आया था,
तब इसके बराबर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। तो 45 एक्स का वैल्यू 8 आया है प्लस वाई बराबर 60, तो वाई बराबर आपका हो गया 60। इन दोनों को आपस में ऐड करिए तो 53, इधर 53 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 53 माइनस में, 53 माइनस में, ठीक है। 45 8 53 यहाँ घटेगा तो आंसर कितना 7, 60 में 53 जाएगा तो x का मान आ गया 8, y का मान 7। किसी भी बालक को दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग चलते आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, जरा सा खतरनाक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम आपको समझाने का कष्ट करते हैं, ठीक दोस्तों। देखिए पहले हम क्या लिखा है बुक में पढ़ते हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु का बंटन को निम्नलिखित आंकड़ा ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, बारीकी से समझेंगे। कम 20 से कम, देखना समझना है, 20 से कम अंतर कितना का है, 5-5। तो यहाँ हम लेंगे 15 से 20, क्योंकि 20 से कम बोला तो 20 से नीचे रहेगा जी। 20 से कम क्या, 20 से कम तो क्या 19, 18, 17, लेकिन गैपिंग कितना का, 5 का, उसलिए हम 5 का गैप लिया। 25 से कम तो यह आएगा 20 से 25 के बीच। 30 से कम तो 25 से 30 के बीच। 35 से कम तो 30 से 35 के बीच। 40 से कम तो 35 से 40 के बीच। 45 से कम तो 40 से 45 के बीच। 50 से कम तो 45 से 50 के बीच। 55 से कम तो 50 से 55 के बीच। और 60 से कम तो 55 से 60 के बीच हम लोग लिख दिए। अब ये देखिए 2 है 6 है 24 45 78 79 92 और 98 और 100। ये देखने में क्या लग रहा है, संचयी बारंबारता दिया गया है, तो हम लोग इससे बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 2, 4, 4 होगा फिर बहुत। उसके बाद 24 में 6 घटेगा 18। अब देखिए 6 में 2 गया 4, 24 में 6 गया 18, 45 में 24 जाएगा 21, 45 में 24 गया 21, और 78 में 45 घटेगा, 78 में 45 घटेगा तो 33, और 89 में 78 घटेगा तो 111, ओके। 92 में घटेगा 89 तो यहाँ होगा 3, 89 एक 90 392 यहाँ कितना होगा 6 और यहाँ 2। ये मेला बारंबारता निकल गया और ये मेरा वर्ग अंतराल। अब यहां से माध्यक निकालना बहुत आराम हो गया। माध्यक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं कि जितना बार लिखेंगे उतना बार आप लोगों को याद होगा, क्योंकि परीक्षा में फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। माइनस सी बटे एफ गुने एच, तो यल किसको कहेंगे यानी किसको कहें हम लोग आपको बता दिए। इसका ऐड करिएगा तो 100 आएगा, यन का वैल्यू 100, 100 का आधा 50, 50 के ठीक एक बड़ा संचयी बारंबारता कहिएगा सर 78 है। कितना है बहादुर 78, तो ये मेरा हो जाएगा बाहुलक यानी कि माध्यिका वर्ग। यल का मान कितना आ जाएगा सर 35 आ जाएगा, यच का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये सी होता है और ये यफ,
यल का मान कितना 35 लिखते हैं 35। थोड़ा समझिए, 100 बटे दो मान यल का मान 100, 100 बटे दो तो 50 माइनस सी, सी का मान 45 अब बटे 33 गुने 5। यहां से आप लोग हल नहीं कर लीजिएगा। हाँ जी 35, यहां देखिए 50 में 45 गया 5 अपापचे 25 बटे 33। गुना भागा करने में तो आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट। यहां जब 35 प्लस भागा दीजिएगा तो 7.6 आएगा। कितना आएगा शेर बहादुर? 7.6। हम लोग ऐड कर देंगे तो 35.76 ये मेरा माध्यक निकल गया। ओके क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरा आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई या निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो पत्तियों की माध्यक की लंबाई ज्ञात करें। कोई बात नहीं, यहां सब थोड़ा लॉजिक है। 118 से 126, 127 से 135 सीरीज नहीं बन रहा, तो इसको हम लोग करेंगे 118.5 से 126, 118.5 से 126, यहाँ बनेगा 126 से 135, 135। किसी भी बालक को डाउट, एक भी बालक को डाउट है तो बोल सकते हैं। यहां से बनेगा 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। गलत नहीं है, सही है। ओके आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 8 17, 17 बड़ा 29, 34 38 40। यन का मान कितना निकल के आया? 40।